सत श्री अकाल, मैं विक्की धारीवाल अज फिर तुहाडे नाल रूबरू होए। अज मैं तुहानू सारयां नू आप सबको रशिया की जो मैट्रो स्टेशन का सिस्टम है सारा वो दिखाऊंगा, और भी कुछ बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें। ऑनलाइन कैब हमने बुक की थी तो अपने घर के सामने आके वो खड़ी हो गई है सिर्फ 5 मिनट के अंदर। अब मैं वो उसी कैब में बैठा हूँ जिस मैं पहले आपको बताया था कैब बुक की है। तो देखिए, पहले तो मैं आपको दिखाता हूँ कि ये सारा ऑनलाइन सिस्टम कैसे है। तो इंडिया में भी ऊबर की तरह, लेकिन ये देखिए यहाँ पे सारा कुछ शो करेगा आपको जो कुछ भी है। और जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ये जो टैक्सी का सिस्टम है, यहाँ पे इंडेक्स कंपनी है एक जिसकी ऐप चलती है। तो जैसे अपने यहाँ ऊबर है जहाँ कोई भी अपना मेन कंपनी एजेंसी अपन को बोलती है, या जैसे अपन होटल बुकिंग करते हैं ओला की तौर पे, तो वही चीज़ है। इसके अंदर भी आपको सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ मैं जो बताने जा रहा हूँ वो ये है कि इस गाड़ियों में भी 3 तरह की गाड़ी हैं। जैसे एरोप्लेन में इकोनॉमिक्स कंफर्ट जहाँ अपन बोल देते हैं ना कि हाई लेवल की बिजनेस क्लास का जो होती हैं सीट्स होती हैं, सेम यहाँ पर 3 तरह की वो है अपनी टैक्सीज हैं। आप इनको ऑनलाइन बुक करेंगे, आपके पास आएंगी सेम इंडिया की तरह, और फिर आप जहाँ की लोकेशन डालेंगे वहाँ पे आपको पहुँचाएंगी। और ये अलग अलग तीनों के अलग अलग रेट्स होते हैं। तो अब आप इस चीज़ के ऊपर ध्यान दें कि जब भी यहाँ पे आएँ तो इंडेक्स कंपनी की जो इनकी ऐप है उसके थ्रू आप गाड़ियाँ बुक करके आप कहीं भी जा सकते हैं, घूम सकते हैं। और ये मैंने आपको टैक्सी के बारे में आज कुछ बताना था, तो ये मेरा जो पहला पोर्शन था टैक्सी का वो मैंने आपको कंप्लीट कर दिया है। पहला मैं थोड़ा टैक्सी दिखाई, आ देखो हूँ मैं ट्रैम्प दिखा रहा जो बिजली के तौर पर चल रहा है। इतने तुम टैक्सी का इस्तेमाल भी कर सकते हो और तुम ट्रंप का इस्तेमाल भी कर सकते हो। जी जा रही है ये बिजली तो चलती है, ये देखो ये होंगी बासी है लेकिन बिजली तो चलती है। और ये एक ट्रेन भी चलती है सड़क पर, वो भी तुम वरत सकते हो, इस्तेमाल आप कर सकते हैं यहाँ पे आके। और इसके बाद मैं आपको दिखा रहा हूँ मेट्रो। तो मेट्रो में आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जो टैक्सी की बात मैं कर रहा था आपसे वो ये है कि 3 तरह की टैक्सी है, एक बिजनेस, एक इकोनॉमिक्स और एक कंफर्ट जोन। जो बिजनेस है वो महंगी है, कंफर्ट जोन वो सस्ती है, बीच में रेट है उसका, और इकोनॉमी सबसे सस्ती होती है। तो आपको जैसे आपकी हैसियत है, जैसे आप खर्चा करना चाहते हैं, वैसे आप इन तीनों में से एक टैक्सी में से बुक कर सकते हैं और इस्तेमाल कर सकते हैं। आज मैं तो आपको वो चीज़ दिखाने जा रहा हूँ कि इंडिया के अंदर देखो कैसे हम लोग, हमारे देखे भीख मांगते हैं, कैसे दुनिया बुरा हाल कर देती है आने जाने वाले का। पर यहाँ देखिए क्या सिस्टम है, ये देखिए, ये अपनी कला दिखाऊंगा, दिखा रहा है लड़का। और इसको जिसको जितनी सपोर्ट है, कोई जितनी पेमेंट डालना चाहता है वो नीचे रख सकता है। कहने का मतलब है ये भीख नहीं मांग रहा, अपनी कला दिखा के पेमेंट ले रहा है। यही इंडिया में फ़र्क है और यही फॉरेन का फ़र्क है जो हम आपको दिखा रहे हैं। मैं मेट्रो जाने से पहले एक आपको चीज़ और दिखाना चाहता हूँ कि आपके डॉलर्स चेंज कैसे होंगे रशिया के अंदर। तो वो जो चेंज होने हैं वो अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये सामने शॉप आ गई है, आप देख रहे हैं इनके अंदर डॉलर चेंज होंगे। तो बैंक है, ये बैंक है, ऊपर लिखा देखो BAHK मीन्स NK, H नहीं है, N है वो। तो ये बैंक है, तो अभी हम आपको वहाँ ले जाकर डॉलर चेंज करके दिखाऊंगा। तुसी हुण मेरे फॉलोअर्स प्लीज़ देखो कि रशिया दे विच बैंक दे अंदरला हिस्सा जिते मनी चेंज हो रहा है। बैंक में मैं गया था तो देखिए उन्होंने मुझे पेमेंट दी है $100 की। तो बिल्कुल स्टैंप लगा के अंदर, सिक्योरिटी बहुत है, आप यहाँ पे बगैर मतलब में नहीं जा सकते कहीं पे भी। तो क्योंकि देख रहे हैं ये घूम भी रहे हैं, आपने सिक्योरिटी वाले देख लिए। तो यहाँ पे ये जो मनी एक्सचेंज बैंक्स है ये बाकायदा गवर्नमेंट के थ्रू है। ये देखिए यहाँ से एंट्री है, ये मेट्रो है, यहाँ से हमने एंट्री ली सेम वही अपनी मेट्रो इंडिया की तरह, दिल्ली की तरह। यहाँ पे अभी ये टिकट्स देंगे हमें, ये टिकट काउंटर है इनका, और यहाँ से आप ये टिकट हमें दे रही हैं मैम। ये मेन स्टेशन है अपना पीटर्सबर्ग का। चलो
ये मैं एंटर कर गया। आप लोग बोल रहे हो कि यहाँ रशिया में जंग लगी हुई है, लड़ाई है, देखिए कहाँ लड़ाई है, बिल्कुल सेम प्रोसीजर है, शांति है। अब मैं जा रहा हूँ नीचे, अब देखिए मेट्रो जो है कितनी नीचे है, ज़मीन के अंदर सेम इंडिया की तरह, पर यहाँ लाइटिंग देखिए कितनी सुंदर है। वहाँ से दुनिया आ रही है बाहर निकलने के लिए, और यहाँ से हम लोग जा रहे हैं। ये देखिए मैं पहुँच गया जो इनकी नीचे बेसमेंट है, नियर अबाउट 1000 फुट नीचे ये मैडम बैठी हैं। तो ये जा रहा है, अब यहाँ से हम मेट्रो पकड़ेंगे। ये देखिए इसकी और खूबसूरती, देखिए ये मेट्रो ज़मीन के नीचे है, देखिए खूबसूरती देखिए इसकी, जो नीचे भी इतनी दूर आके इनकी कलाकारी को सलाम, देखिए देखिए क्या चीज़ है, कैसे बनाई है। मैं अब आपको दिखाता हूँ कि ये नक्शा जो नीचे पीटर्सबर्ग का, पूरी पीटर्सबर्ग में है, ये देखिए ये देखिए, ये अलग अलग लाइनें हैं जैसे इंडिया के अंदर भी हैं, लेकिन ये पूरे पीटर्सबर्ग में फैली हुई है। ये मेन रोड है, ये वाली मेन है लाइन, ये अलग अलग है। तो ये है सारा सिस्टम, ये देखिए अब आ गई है मेट्रो, आ गई है, अब इसके अंदर हम बैठेंगे और आगे जाएंगे। ये मेट्रो, यहाँ से अभी हम उतरे हैं और यहाँ से न्यू एंगल चेंज करेंगे। ये देखिए यहाँ से चेंज करके हम अब उसमें न्यू मेट्रो में चढ़ेंगे अलग साइड जाने के लिए। यहाँ से हम लोग अब येलो पट्टी पे चले हैं, ये देखो येलो पट्टी, तो यही यहाँ पे चेंज करना होता है। अभी हम अंडरग्राउंड में थे इतना टाइम, सोचिए अब हम बाहर आ रहे हैं। तो ये मेट्रो स्टेशन था सारा जो मैंने आपको दिखा दिया, तो अब हम बाहर जा रहे हैं, ऑटोमेटिक खुल गया। तो ये लीजिए मेट्रो की जो ट्रिप थी वो मैंने कंप्लीट कर दी आपके लिए। अब इसके बाद मैं आपको कुछ और पीटर्सबर्ग की बहुत खूबसूरत जगह, जहाँ पीटर्स जिसका नाम है उन्होंने बसाई, उनकी सारी चीज़ें हैं, यादगार है, उनका अपना प्रोजेक्ट है, वो मैं दिखाने जा रहा हूँ। ये लीजिए, ओके।